नमस्ते दोस्तों, आज का वीडियो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, खासकर अगर आपने अभी 10वीं 12वीं की परीक्षा पास की और आगे की पढ़ाई करना चाहते हैं और आपको विषय चुनने में दुविधा हो रही है। तो हम आपको कुछ महत्वपूर्ण बातें बताएंगे जो आपको ये तय करने में मदद करेगा कि आपके लिए कौन सबसे अच्छा होगा। विषय चुनते समय आपको कई बातों का ध्यान रखना चाहिए। सबसे प्रथम है रुचि। सबसे पहले ये सोचें कि आपके किस विषय में सबसे ज़्यादा रुचि है। यदि आप किसी विषय में रुचि रखते हैं तो आप उसमें बेहतर प्रदर्शन करेंगे और पढ़ाई का आनंद भी लेंगे और अच्छा मन लगा के पढ़ाई करेंगे। इसके बाद में दूसरा क्षमता यानी कैपेसिटी। अपनी कैपेसिटी का भी ध्यान आपको रखना चाहिए, अपनी क्षमताओं और कौशल का भी आकलन करें। यदि आप किसी विषय में अच्छे हैं तो उसमें सफल होने की संभावना बहुत अधिक होती है। भविष्य के लक्ष्य भी को हमको ध्यान में रखना चाहिए। ये भी सोचें कि आप भविष्य में क्या करना चाहते हैं, आपका चुना हुआ विषय आपके करियर के लक्ष्यों को प्राप्त करने में आपकी मदद करेगा या नहीं, यानी कि आपके सपनों को पूरा करेगा कि नहीं करेगा, इसके फ्यूचर प्लानिंग करते हुए भी विषय का चुनाव करें। चौथा ऑप्शन है बाजार की मांग यानी समय की डिमांड क्या है। ये भी जान लें कि आपके द्वारा चुने हुए विषय के लिए बाजार में कितनी मांग है। यदि किसी विषय के लिए अच्छी नौकरी की संभावना है तो आप उसमें एडमिशन लेने पर विचार कर सकते हैं, क्योंकि माय डियर फ्रेंड्स, बाजार की डिमांड डे बाय डे बदलती रहती है। जैसे कि पहले पारंपरिक पढ़ाई पर ही ज़्यादा फोकस किया जाता था, लेकिन आजकल डिजिटल मार्केटिंग भी एक करियर ऑप्शन में आ गया। जैसे यूट्यूब की जर्नी हो गई, यानी डिजिटल मैनेजर के रूप में आप अपने करियर को चॉइस कर सकते हैं। यानी बाजार की मांग को ध्यान में रखते हुए अपने को सब्जेक्ट का चुनाव करना होता है। कुछ लोकप्रिय विषय जो रहती है, जैसे कि पहले विज्ञान साइंस, जिसमें बहुत की रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान, गणित, इंजीनियरिंग, चिकित्सा आदि होती है। कला क्षेत्र में अगर बात करें तो हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स, सोशल साइंस, साइकोलॉजी, दर्शन इत्यादि। और वाणिज्य यानी कॉमर्स में लेखा विद, व्यवसाय, प्रशासन, मानव संसाधन, विपणन आदि इत्यादि विषय होती थी। लेकिन आज की टेक्नोलॉजी के दौर में नए नए करियर ऑप्शन भी आ गए, नए नए विषय भी आ गए, तो आप अपनी सोच समझ कर इनका चुनाव कर सकते हैं। याद रखना, महत्वपूर्ण कोई भी सर्वश्रेष्ठ विषय नहीं होती है। सबसे अच्छा विषय वह है जो आपकी रुचि, क्षमता और लक्ष्यों यानी आपको सपनों को पूरा करने में आपकी मदद करे। अंत में आपको मैं यही सलाह दूंगा कि आप अपने माता पिता, शिक्षकों और करियर काउंसलर से भी बात करें तो आपको सब्जेक्ट चुनाव करने में काफ़ी मदद होगी। एक बार फिर से मैं आपको रिमाइंडर कर देता हूँ, आप अपनी रुचि, क्षमता, भविष्य के लक्ष्य को और बाजार की मांग को ध्यान में रखते हुए विषय का चुनाव करें। ये वीडियो मैंने इसलिए बनाया कि आपको सब्जेक्ट चुनाव में थोड़ी मदद मिले। फिर भी अगर आप अधिक जानकारी रखना चाहते हैं तो मैं डिस्क्रिप्शन में कुछ लिंक दे रहा हूँ, आज उन पर सर्फिंग करके आपको और ज़्यादा मदद मिलेगी। धन्यवाद।